मूवीज और ड्रामास में देखते हैं फेस ट्रांसप्लांट करवा के करेक्टर वापस आ जाता है, कोई चोट लगने के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद उसका फेस चेंज हो जाता है, वो कहते हैं जी कि हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा के इसने फेस चेंज करवा लिया। क्या हकीकत में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? सो फेस ट्रांसप्लांट अभी दुनिया में बहुत लिमिटेड नंबर में हुए हैं, टोटल नंबर अभी 40 से 60 है। और कौन लोग वो कराते हैं? ऐसे पेशेंट जिनकी कोई बहुत सीवियर चोट लग के आपका फेस की सारी शक्ल खराब हो जाए, कोई ब्लास्ट इंजरी हो जाए या कोई फायर आर्म इंजरी। इससे क्या होता है, फेस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो आपकी रूटीन में रिकंस्ट्रक्शन से फेस दोबारा नहीं बनता। कोई भी ऐसा ब्रेन डेड पर्सन जो कि वेंटिलेटर पे है या मरने वाला है, तो उसका फेस लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन फेस का ट्रांसप्लांट लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टीम इन्वॉल्व है, क्योंकि फेस की सिर्फ स्किन नहीं, नीचे उसकी नर्व्स, मसल्स, बोन्स, सब कुछ आप ट्रांसप्लांट करते हैं, और हर चीज रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दुनिया के सिर्फ चंद एक सेंटर में ये पॉसिबल है, और वो कुछ पिक्चर्स में आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल भी नहीं है, मल्टीपल सर्जरीज रिक्वायर्ड हैं, और ये रिजेक्ट भी हो सकता है। जो पूरा पूरा पीस नया लगाया फेस किसी और का, वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो सकता है, और इसमें डेथ के चांसेस भी हैं। तो इस तरह इजी जॉब, क्योंकि आपकी जो स्किन है इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स और नर्व्स होती हैं, और इसमें रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं एज कम्पेयर टू लीवर या किडनी। वो इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स हैं, उसमें चांसेस कम है। बाहर जो स्किन है ये उस तरह मैच भी नहीं कर सकती, तो इसलिए इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो अभी ये मूवीज की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसप्लांट दुनिया में बहुत रेयर है।